नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 211वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। नंबर एक, जापान भारत सहयोग ज्ञापन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस सहयोग ज्ञापन का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल संबंधी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को विकसित करना है। इससे जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच जल संबंधी संयुक्त परियोजनाओं पर सूचना, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक अनुभव के आदान प्रदान को भी प्रोत्साहित करता है। नंबर दो, बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद मिली थी। यह एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता युद्ध था जिसमें बांग्लादेश के आधुनिक राज्य का जन्म हुआ था। बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान ने 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की थी। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही मुक्ति युद्ध की शुरुआत हो गई थी। युद्ध शुरू होने के एक ही वर्ष के भीतर भारत की सेना की मदद से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी हासिल हुई। शेख मुजीबुर रहमान इस युद्ध के नेता थे। आज़ादी के बाद वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। उन्हें बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। नंबर तीन, विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने इस दिन की स्थापना की थी। हर साल दुनिया भर में इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिएटर समारोह होते हैं। विश्व रंगमंच दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में थिएटर को लेकर जागरूकता लाना और थिएटर की अहमियत याद दिलाना है। नंबर चार, नॉर्वे में बनेगा विश्व का पहला शिप टनल। दुनिया के पहले शिप टनल का निर्माण नॉर्वे में किया जाएगा। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2022 में शुरू होकर वर्ष 2025 तक पूरा हो जाएगा। यह सुरंग नॉर्वे के स्टेड हाईवेड पेनिनसुला में पहाड़ों के नीचे बनाई जाएगी। वहां से होते हुए यह सुरंग स्टेड हाईवेड सागर के नीचे से गुजरेगी। यह लगभग 1700 मीटर लंबी होगी और इसके निर्माण में कुल $15 मिलियन खर्च होंगे। इस टनल प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी सागर के बीच जहाजों की आवाजाही को आसान बनाना है। नंबर पाँच, महाराष्ट्र में लगा नाइट कर्फ्यू। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए पूरे राज्य में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। यह कदम भीड़ भाड़ से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि लोग कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी तरह से लॉकडाउन लागू करने की उनकी कोई योजना नहीं है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मॉल, बार, होटल, थिएटर में कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। कोविड महामारी का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। महाराष्ट्र में अब तक कुल 26 लाख से ज्यादा कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि रूस ने हाल ही में 18 देशों के कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं 38, 40, 50 या 55। आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ICC T20 क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन है शेफाली वर्मा। आप में सुनको बताएं जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आज की वीडियो का PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद। UPSC की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है UPSC 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। IAS डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें UPSC CSAT, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन Amazon या Flipkart से और क्रैक करें UPSC एग्जाम।